खबरनामा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पिहोवा के सेंसर वन में मूलसरी का पौधा लगाकर 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण करके पौधों के पालन पोषण और संरक्षण करने का भी संकल्प लेना होगा। सरकार ने पेड़ों के प्रति लगाव रखने वाले और पर्यावरण को संरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन अवार्ड की शुरुआत की है। इससे पहले भी हरियाणा बजट में सीएम मनोहर लाल ने दर्शन लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की थी। तो ये जानते हैं कि दर्शन लाल जैन कौन थे। यमुनानगर निवासी प्रख्यात समाज सेवी व पद्म भूषण से सम्मानित दर्शन लाल जैन ने सरस्वती नदी की थमती सांसों को पुनर्जीवित करने के लिए अपना योगदान दिया था। उन्हें 2019 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। आपको बता दें कि सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष दर्शन लाल जैन के प्रयत्नों से ही 21 अप्रैल 2014 को सूलाखेड़ी गांव में सरस्वती नदी की पहली धारा बही थी। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब यमुनानगर आए थे तो सार्वजनिक मंच पर उनके पैर छूकर नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के सहयोग से मोरनी क्षेत्र में 50,000 एकड़ के औषधीय पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 75 से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन योजना के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयु का सत्यापन प्रक्रिया या फिर जांच भी कराई जाएगी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर की एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। जोहड़ हरियाणा के गाँव वासियों के लिए एक जीवन रेखा के तौर पर काम करते हैं और इनको पूजा जाता है। इन जोहड़ों पर छायादार वृक्ष नहीं है। अंततः इस कड़ी में आज राज्य के 22 जिलों के 2220 ग्रामीण जोहड़ों पर बड़ पीपल नीम पिलखन के पौधे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रोपित किए गए हैं और प्रदेश भर में ऑक्सीजन वन भी बनाए जाएंगे, जिसके तहत 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। अभी तक पंचकुला, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में भी ऑक्सीजन वन बनाए गए और भविष्य में इसे और अधिक बढ़ाया भी जाएगा। अंत में खबरनामा की ओर से हम आपसे यही अपील करते हैं कि अपनी जिंदगी में एक पौधा जरूर लगाएं। अवसर चाहे कोई भी हो, आपका जन्मदिन हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आपकी वैवाहिक वर्षगांठ हो या फिर आपके बुजुर्गों की पुण्यतिथि हो, एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि पौधे का हमारे जीवन में इतना महत्व है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पर्यावरण है तो कल है, बिना पर्यावरण के तो कल भी नहीं है। तो आइए पर्यावरण को संरक्षित करते हैं और एक नए कल की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। Thank you.